दिस क्वेश्चन इज ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन. द लेंथ ऑफ लीव्स ऑफ ए पर्टिकुलर टाइप ऑफ ट्री आर मॉडल्ड बाय अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन. यहाँ पे खुद ही बता दिया गया है कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है. ए साइंटिस्ट मेजर द लेंथ ऑफ ए रैंडम सैंपल ऑफ 500 लीव्स फ्रॉम दिस टाइप ऑफ ट्री एंड फाइंड दैट 42 आर लेस देन 4 cm. 500 में से 42 आर लेस देन 4 cm लॉन्ग एंड 100 आर मोर देन 100 cm लॉन्ग. यहाँ से दो इक्वेशन बनेगी. ये देखिए, इसका मतलब है टोटल लीव्स हमारे पास हैं 500, उनमें से 42 आर लेस देन 4 cm लॉन्ग. अब प्रोबेबिलिटी क्या होगी? लेस देन 4 cm की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? वो होगी 42 ओवर 500 एंड 100 आर मोर देन 10 cm लॉन्ग. मोर देन 10 cm की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 100 ओवर टोटल 500. तो ये हम दो यहाँ से इक्वेशंस बन जाएगी. हमने फाइंड क्या करना है? फाइंड एस्टीमेट्स फॉर द मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द लेंथ ऑफ लीव्स फ्रॉम दिस टाइप ऑफ ट्री. ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन है. इसको हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को हम यूँ लिखते हैं, प्रोबेबिलिटी के एक्स फॉलोज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन. दीज आर द पैरामीटर्स ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन म्यू एंड सिग्मा स्क्वायर. नो इट इज गिवन दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज लेस देन 4. इट इज गिवन 42 ओवर 500. तो 42 ओवर 500 जो है इसको डेसिमल में लिख लेते हैं. तो सो प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज लेस देन 4 इज इक्वल टू 0.084. से दिस इज इक्वेशन नंबर 1. नो प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन मोर देन 10 मीन ग्रेटर देन 10 वो आएगी 100 ओवर 500. ये भी लिख लें, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन 10 इज इक्वल टू 100 ओवर 500. इसको अब हम लिख सकते हैं डेसिमल में. प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स ग्रेटर देन 10 इज इक्वल टू 0.2. दिस इज इक्वेशन नंबर, सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 2. अब हम इन दोनों इक्वेशन में जो वेरिएबल है, नेक्स्ट प्रोसेस क्या होता है? इस एक्स को जेड में चेंज करना है हमने. ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन एंड नॉर्मल वेरिएबल को अपने स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएबल में कन्वर्ट करना है इन दोनों इक्वेशन में. तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर वन में से को इसको इस तरह लिख लेते हैं. एक्स जेड में कन्वर्ट करेंगे तो ये बन जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ जेड इज लेस देन एक्स माइनस म्यू ओवर सिग्मा. म्यू और सिग्मा हमने फाइंड करने हैं इज इक्वल टू 0.084. अब यहाँ पे देखें आप
कि जब भी यहाँ पे लेस का साइन आ जाए और राइट साइड पे प्रोबेबिलिटी जो है, दिस इज अ प्रोबेबिलिटी, और ये भी 0.05 से लेस आ जाए, वो हमें क्या करना पड़ता है कि इसको लेस देन दिस की प्रोबेबिलिटी भी यही होगी, और यहाँ पे अगर ग्रेटर देन लिख देते हैं उसकी प्रोबेबिलिटी भी 0.084 ही हो सकती है बाय सिमेट्रिक, क्योंकि ग्राफ सिमेट्रिक होता है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ सिमेट्रिक होता है अबाउट द मीन। तो सो हम इसको यहाँ पे ग्रेटर का साइन यहाँ पे हम अपनी तरफ से लिख सकते हैं। तो सो हम इसको लिख लेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ जेड इज ग्रेटर देन 4 माइनस म्यू ओवर सिग्मा इज इक्वल टू 0.084। अब इस ग्रेटर साइन को हमने बनाना है स्मॉलर, लेस देन, तो वो कैसे होगा, इसको 1 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो दिस बिकम्स 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ जेड इज स्मॉलर देन 4 माइनस म्यू ओवर सिग्मा इज इक्वल टू 0.084। इसको रीअरेंज करेंगे तो ये आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ जेड इज स्मॉलर देन 4 माइनस म्यू ओवर सिग्मा इज इक्वल टू 1 माइनस 0.084, ये बन जाएगा 0.916। अब इसको हम फाई की फॉर्म में लिख लेते हैं, फाई शोज द प्रोबेबिलिटी, तो सो फाई 4 माइनस म्यू ओवर सिग्मा इज इक्वल टू 0.916, तो 4 माइनस म्यू ओवर सिग्मा इज इक्वल टू 5 इनवर्स 0.916। तो इसको हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन टेबल को रिवर्स ऑर्डर में देखेंगे, तो जेड के अगेंस्ट हम प्रोबेबिलिटी के अगेंस्ट जेड की वैल्यू हमने देखनी है, तो ये आ जाएगा दिस बिकम्स 4 माइनस म्यू ओवर सिग्मा इज इक्वल 5 इनवर्स 0.916, इसकी वैल्यू आएगी 1.378। अब देखिए यहाँ पे हमने खुद से साइन लगाया था, यहाँ पे लेस देन को हमने ग्रेटर देन लिखी जैसे, एक्चुअली जो हमारा जेड की जेड होता है वो जेड है, इस केस में जेड की जेड जो होगा वो नेगेटिव साइड पे लाई करता है, तो सो हम यहाँ पे इस इक्वेशन में एक साइड पे हम नेगेटिव का साइन लगा देते हैं, इधर लगा लेते हैं, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास एक इक्वेशन आ जाएगी 4 माइनस म्यू इज इक्वल टू 1.378 सिग्मा, यहाँ पे आ जाएगा। लेट दिस इज इक्वेशन नंबर, इस इक्वेशन को हम इक्वेशन नंबर 3 कह लेते हैं। इसी तरह अब हम इक्वेशन नंबर 2 के इक्वेशन नंबर 1 को हमने अभी अरेंज करके जेड की फॉर्म में वो लिख लिया है, म्यू और सिग्मा फॉर्म में हमने इसको लिख लिया है। इसी तरह अब हम इक्वेशन नंबर 2 जो है इसको भी जेड में कन्वर्ट करेंगे और उसको सिग्मा और म्यू फॉर्म में लिख लेंगे, तो एक और इक्वेशन बन जाएगी यहाँ से, फिर उन दोनों को इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे। इक्वेशन नंबर 2 को हम कर रहे हैं, यहाँ पे एक्स को जेड बनाना है, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 प्रोबेबिलिटी ऑफ जेड
इज ग्रेटर देन एक्स माइनस म्यू ओवर सिग्मा इज इक्वल टू 0.2। अब इसको ग्रेटर साइन को हमने लेस बनाना है, वन में से सब्ट्रैक्ट करेंगे, दिस विल बिकम वन माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ जेड इज स्मॉलर देन 10 माइनस म्यू ओवर सिग्मा इज इक्वल टू 0.2। रीअरेंज करेंगे, ये 0.2 वन में से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, ये टर्म जो है दूसरी साइड पे चली जाएगी तो ये पॉजिटिव हो जाएगी, तो ये बन जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ जेड जेड इज लेस देन 10 माइनस म्यू ओवर सिग्मा इज इक्वल टू 0.8। लेफ्ट साइड को हम फाई की फॉर्म में रख लेते हैं, फाई 10 माइनस म्यू ओवर सिग्मा इज इक्वल टू 0.8। तो 10 माइनस म्यू ओवर सिग्मा इज इक्वल टू फाई इनवर्स 0.8000। ये प्रोबेबिलिटी को हमने ये 4 डेसिमल प्लेसेस में लिख दिया क्योंकि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में 4 डेसिमल में प्रोबेबिलिटी लिखी हुई है। तो इसको हम रिवर्स ऑर्डर में देखेंगे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में, तो हमारे पास जेड की वैल्यू जो है वो आ जाएगी 0.842। तो 10 माइनस म्यू ओवर सिग्मा इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू जो है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में से हमें मिलेगी 0.842। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे ये 10 माइनस म्यू इज इक्वल टू सिग्मा मल्टीप्लाई हो जाएगा 0.842 सिग्मा। तो दिस इज लेट दिस इज इक्वेशन नंबर 4। अब आप देखें ये इक्वेशन नंबर 3 जो है ये भी म्यू और सिग्मा में आ गई है, इसमें म्यू और सिग्मा आ रहे हैं इक्वेशन नंबर 3 में, और इक्वेशन नंबर 4 में भी म्यू और सिग्मा आ रहे हैं। इन दोनों इक्वेशन को क्या करेंगे हम, साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे। इक्वेशन नंबर 3 और 4 को हम साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे, तो वी विल गेट द वैल्यू ऑफ म्यू एंड सिग्मा। तो इसको हम सॉल्व कर रहे हैं, इक्वेशन नंबर 2 इज इक्वेशन नंबर 2 इज 10 माइनस म्यू इज इक्वल टू 0.8 फोर टू सिग्मा, और इक्वेशन नंबर 3 है 4 माइनस म्यू इज इक्वल टू -1.378 सिग्मा। सब्ट्रैक्टिंग, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे साइन चेंज हो जाएंगे, तो कैंसल आउट, तो फाइनली वी गेट सिग्मा 6 इज इक्वल टू 2.22 सिग्मा। तो यहाँ से द वैल्यू ऑफ सिग्मा विल बी 6/2.22। तो वी गेट द वैल्यू ऑफ सिग्मा इज इक्वल टू 2.70 करेक्ट टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर। नाउ वी विल पुट दिस वैल्यू ऑफ सिग्मा सिग्मा इन एनी इक्वेशन, इक्वेशन 1 में 3 में पुट कर लें या इक्वेशन नंबर 4 में पुट कर लें। सिग्मा की वैल्यू 2.70, तो हमारे पास जो म्यू की वैल्यू आएगी, म्यू आएगा हमारे पास 7.72। तो दिस इज आंसर, सिग्मा और म्यू हमने फाइंड
फाइंड कर लिए, दिस इज द आंसर। द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज द लेंथ इन सीएम, द लेंथ इन सेंटीमीटर ऑफ द लीव्स ऑफ द डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्री हैव अ डिस्ट्रीब्यूशन, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विद म्यू एंड वेरियंस सिग्मा स्क्वायर। द साइंटिस्ट टेक्स अ रैंडम सैंपल ऑफ 800 लीव्स फ्रॉम दिस टाइप ऑफ ट्री, फाइंड हाउ मेनी ऑफ दीज लीव्स द साइंटिस्ट वुड एक्सपेक्ट टू हैव लेंथ इन सेंटीमीटर बिटवीन बिटवीन म्यू माइनस टू सिग्मा एंड म्यू प्लस टू सिग्मा। हाउ मैनी, हमने नंबर ऑफ लीव्स फाइंड करने हैं जिनकी लेंथ जो है इस वैल्यू के और इस वैल्यू के दरमियान में हो। तो इसको फर्स्ट ऑफ ऑल इसे हम लिखेंगे कि वी हैव टू फाइंड एक्स लाइज, प्रोबेबिलिटी पहले फाइंड करेंगे, एक्स लाइज बिटवीन म्यू माइनस टू सिग्मा, ये स्मॉलर वैल्यू लेफ्ट पे होती है और लार्ज इन क्वालिटी में लार्जर वैल्यू राइट पे होती है, म्यू प्लस टू सिग्मा। ये देखें म्यू में प्लस हो रहा है टू सिग्मा, ये लार्जर है। एक्स लाइज बिटवीन म्यू माइनस टू सिग्मा एंड म्यू प्लस टू सिग्मा, इट इज गिवन। नौ उसी तरह हमने इस एक्स को पहले जेड में चेंज करना है। ये देखें हमें म्यू और सिग्मा गिवन है, सॉरी म्यू और सिग्मा की फॉर्म में ऐसे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में उसे म्यू गिवन नहीं है, म्यू की फॉर्म में दिया हुआ है और वेरियंस जो है वो सिग्मा की फॉर्म में दिया हुआ है। तो हमारे पास मीन म्यू है और सिग्मा स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा है। तो सो हम इसको जेड में कन्वर्ट करेंगे, एक्स माइनस म्यू, हमारा एक्स ये है सर, ये एक्स माइनस म्यू ओवर सिग्मा, दिस इज एक्स माइनस म्यू ओवर सिग्मा। अब ये कुछ कैंसिल आउट हो जाते हैं, माइनस म्यू प्लस म्यू, माइनस म्यू प्लस म्यू ये कैंसिल आउट हो जाते हैं, बाकी हमारे पास रह जाएगा माइनस टू सिग्मा ओवर सिग्मा, टू सिग्मा ओवर सिग्मा, ये भी कैंसिल आउट, सिग्मा सिग्मा से कैंसिल आउट हो जाता है। तो ये आ जाएगा माइनस टू इज लेस देन जेड इज लेस देन टू। नो इसको अब हम फाइव की फॉर्म में लिख लेते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ टू, प्रोबेबिलिटी ऑफ टू माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ माइनस टू। सो probability of 2 minus probability of minus 2, इस माइनस को हमने करना है बनाना है पॉजिटिव, 1 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये आ जाएगा 5 2 माइनस विद इन ब्रैकेट 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ पॉजिटिव 2। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो दिस बिकम्स 5 प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 माइनस 1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 और ये ऐड अप हो जाएंगे, टू टाइम्स ऑफ दैट हो जाएगा 2 प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 माइनस 1। अब हमने क्या करना है, इसको नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में से देखेंगे जेड की वैल्यू के अगेंस्ट, जेड की वैल्यू जो है ये यहाँ पे 2 है, जेड के अगेंस्ट प्रोबेबिलिटी देखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 जो होगी वो हमें हमें टेबल से मिलेगा, उसकी वैल्यू मिलेगी 0.9772। माइनस 1 इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये 0.9544 आएगा। ये हमें हमारे पास प्रोबेबिलिटी आई है, अभी प्रोबेबिलिटी आई है दैट एक्स लाइज बिटवीन दीज टू वैल्यूज, बट एक्चुअली हमने क्या फाइंड करना है, ये प्रोबेबिलिटी है, ये एक्चुअली हमने फाइंड करना है नंबर ऑफ लीव्स, नंबर ऑफ लीव्स
जिनकी लेंथ माइनस सॉरी म्यू माइनस टू सिग्मा और पॉजिटिव म्यू प्लस टू सिग्मा के दरमियान लाई करती है। अभी हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड कर ली है। अब वी नो दैट प्रोबेबिलिटी का फार्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट, ई फॉर इवेंट, नंबर ऑफ सक्सेसफुल आउटकम ओवर टोटल आउटकम्स। ये लेटर हम खुद से ये इनको पुट किया यहाँ पे अपनी मर्जी से। एन ए मीन नंबर ऑफ सक्सेसफुल आउटकम, एन एस मीन नंबर ऑफ टोटल आउटकम, ई फॉर इवेंट। इस फार्मूला में प्रोबेबिलिटी हमने फाइंड कर ली, वो यहाँ पुट कर देते हैं। 0.9544 ये हमने फाइंड करना है। नंबर ऑफ सक्सेसफुल हो गए, टोटल आउटकम्स हमें दी हुई है, टोटल नंबर ऑफ लीव ये देखें 800 दिए हुए हैं। तो यहाँ पे इन प्लेस ऑफ एन एस हम 800 रख देंगे, पुट कर देंगे एन ए ओवर 800। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 800 को 0.9544 के साथ, तो ये आ जाएगा हमारे पास 763.52। तो ये अब इसको राउंड राउंडेड फिगर में इंटीग्रल फॉर्म में हमने लिखना है। इंटीग्रल वैल्यू हम हमारे पास, क्योंकि नंबर ऑफ किसी चीज़ की भी जो नंबर ऑफ होता है उसकी तादाद होती है वो डेसिमल में तो नहीं होती। नंबर ऑफ लीव्स हमने बताना है कि नंबर ऑफ हाउ मैनी लीव्स, कितने वो लीव्स होंगे। तो इसको राउंड फिगर में लिखेंगे, वो 763 भी हो सकते हैं, दो पॉसिबल आंसर्स आएंगे। 763 भी हो सकते हैं, अगर राउंड करके 0.5 है आगे तो वो 764 भी हो सकते हैं। तो सो दोनों आंसर एक्सेप्टेबल होंगे, तो सो आंसर विल बी 763 और 764। दीज आर द आंसर्स।